खबर सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे से है, जहां एक ज्वेलर्स को दो लुटेरों ने हथियार के बल पर निशाना बनाने की कोशिश की। और जानकारी के मुताबिक चौपड़ बाजार से ज्वेलरी की दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे व्यापारी मानसिंह सोनी को दो बाइक सवार बदमाशों ने रोका और आभूषण और नकदी से भरा बैग छीनने लगे। लेकिन सफल नहीं होने पर बदमाशों ने हवा में फायर कर पिस्तौल की बट से व्यापारी के सिर पर हमला कर दिया। लेकिन व्यापारी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और फरार हुए बदमाशों को एक मंदिर से दबोचकर उनकी जमकर धुनाई की। बदमाशों को जान से मारने पर उतारू हुई भीड़ को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि आरोपी राकेश और विशाल हैं, जिनमें आरोपी राकेश पर 5,000 रुपए का इनाम भी है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ज्वेलर जो है मानसिंह, ये अपनी जो भी दुकान का कैश वगैरह लेकर के अपने घर पे जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो उसके सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश आए और उन्होंने इसकी अपनी मोटरसाइकिल आड़ी लगा करके और इसको रोक लिया और रोक करके एक पिस्टल के दस्ते से इसको मारा और इसका बैग छीनने की कोशिश करने लगे। मानसिंह ने उनसे संघर्ष किया और इसी दरमियान उसने आवाज़ की, हल्ला देकर हल्ला करके लोगों को बुलाया, तो काफ़ी सारे लोग आ गए और उस पर उन्होंने लुटेरों का पीछा किया और पीछा करने पर लुटेरे एक बिल्डिंग में चढ़ गए, एक बिल्डिंग से फिर दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूद गए। अल्टीमेटली जनता ने उनको पीछा कर लिया, इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई।